इस वीडियो में आज हम एमपी पटवारी एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है या अगर आपका एग्ज़ाम आज था तो आप प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। बिकॉज एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प करें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस बताएं तो और भी स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रखा था 3y√6 = what। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते, बिकॉज इसके ऑप्शंस तो हमें नहीं पता है, तो हम इसे आपको बता देते कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते थे। तो आपका 3y√6 है, तो आपको क्या करना है, √6 बिकॉज डिनोमिनेटर में होता नहीं है तो हम उन्हें ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया 3√6/6, ये हमारा हो गया √6/2। अब आप इसमें एक और तरीका हमारा इसका क्या है कि इसके और अगर आंसर्स देते तो हो सकता है आपका ये दिया होगा कि आपने ऊपर इसे √3 × √3 कर दिया, नीचे √3 × √2 है, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा √3/2। जो भी आपके ऑप्शंस होंगे आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो से रिलेटेड है, कह रहा है इफ़ a:b:c = 7, 9, 11 एंड द सम ऑफ ए एंड बी इज 50 more than c, देन फाइंड ए। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने का आपका क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो हमारा दे रखा है ए बी और सी का रेशियो 7, 9, 11, आपसे बोल रखा है कि ए बी और सी का रेशियो इतना है और कह रहा है कि ए और बी का जो सम है वो सी से 50 ज़्यादा है, तो ए क्या होगा। अब आपको इससे सॉल्व कैसे करना है, आप यहाँ पर देखो तो ए और बी का सम हो रहा है 16 और सी से आपका ये कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 16 − 11 किया तो 5 ज़्यादा हो रहा है, बट आपका क्वेश्चन कह रहा है 50 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 unit = 50, तो हमसे पूछ रहा है ए यानी कि 7 unit के बारे में, तो 7 unit = क्या हो जाएगा, तो 50 × 7/5, तो ये हमारा आ गया कितना, तो 70, तो हमारा ए का वैल्यू आ गया 70। दूसरा तरीका था, आप इसे एक्स मान के बना सकते थे, 7x, 9x, 11x करके, तो उससे भी आपके सेम ही आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एवरेज ऑफ 45, 64, 92, 94 एंड 88। आपको इसका एवरेज दे रखा है, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, एवरेज मतलब होता है क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, तो हम इन सारे का सम कर देंगे, तो 45 + 64 + 92 + 94 + 88 कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 = 9, 2 = 11, 11 × 4 = 15, 15 = 8 होता है 23, 23 × 2 = 6, 6 × 12 = 12, 9 = 21, 21 × 30 = 30, 30 हमारा कितना हो गया, तो 38, तो हमारा आ गया 383/5। अब हम इसे टोटली करें पॉइंट में देख सकते हैं, तो 7 × 5 = 35 किया, फिर 3 × 3 = 6 × 33 किया, फिर आपका हो गया 76.6 आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 72.6 आ जाएगा, हमने किया इसे तो एक बार किया, तो 7 × 5 = 35, फिर बच गया कितना, हमारे पास बच गया 3 × 3, तो ये हमारा 76.6 ही आएगा आपका आंसर। हमने इसे टोटली किया 5 से 3 × 8 = 3 किया, तो ये हमारा हो गया कितना, तो 7 बार में किया तो 35 एंड 3 बार में किया, फिर 6 बार में किया तो ये आपका 3 एंड फिर से हमने किया पॉइंट किया तो 6 times 76.6 ही आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, करा फाइंड रिमाइंडर इफ 6, 8, 1, 2 / 11। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके डाटा हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि 6, 8, 1, 2 ही थे, तो इसे सॉल्व करने का आपका 2-3 तरीका होगा। एक तो आप इसे डायरेक्टली 11 से डिवाइड करके देख लोगे, 6, 8, 1, 2 को किया तो 6 times किया तो 66, फिर 2, फिर 1, फिर 1 times किया तो 11, फिर 0, फिर 1, 2, फिर हमने इसे किया कितने 9 times किया तो 99, तो हमारा रिमाइंडर सिंपली 3 आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता होगा 11 से डिविजिबल्स चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक के बाद एक छोड़ के संख्याओं को जोड़ दो, तो 6 × 1 = 7 हो गया और 8 × 2 = 10 हो गया। अब आप इसे माइनस करो, माइनस करके हमारा 3 आ गया। अब 11 से डिविजिबिलिटी का हमारा नियम क्या होता है कि आपको या तो हमारा माइनस करके 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल 22, ये सारी चीज़ें आना चाहिए, तो हमें माइनस करके क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है इसमें क्या रिमाइंडर बच जाएगा, तो आप 0 से इसे चेक करो तो हमारा 3 ही रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसे ही और भी आपके क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा देख लिए तो आपको एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके आपको एमपी पटवारी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके आपको टोटली प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें तो आपके ये मैथ्स के जो 20 marks होते हैं ये आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 2/5 ऑफ मार्क्ड प्राइस देन ही हैड 20% लॉस, देन हमसे पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी आपका ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था,
आपसे बोल रखा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 2/5 है, उसके बाद आपका यहाँ पे मिसिंग हो गया, 2/5 उसका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 2/5 है और 20% लॉस पे उसने बेचा है, तो हमसे पूछ रहा था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमारा अनुपात क्या होगा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का हमारा सिंपली क्या तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो या डिस्काउंट हो, आप सबसे पहले क्या करो, जो ईजी लगे अंकित मूल्य या क्रय मूल्य को मान लो। तो यहाँ पे हमें अंकित मूल्य मानना ईजी है, तो हमने मान लिया कि हमारा मार्केट प्राइस है 100, तो 100 का 2/5 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किया तो हो गया 40। अब कह रहा 20% लॉस पे उसने बेचा है, तो उसने यानी कि खरीदा कितने में होगा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 × 20% लॉस, तो 100 × 20% किया तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 80, ये 2 times, तो ये हमारा 50। अब मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, तो 100:50 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 2550.20 देन 25 देन फाइंड इट्स साइड। तो हमारा स्क्वायर की एरिया की बात करें, तो स्क्वायर की एरिया आपको पता होगी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है क्या, तो साइड का स्क्वायर ही। अब हमसे पूछ रहा है साइड, एरिया दे रखा है 2550.25 इक्वल टू हमारा हो गया, साइड को हमने ए माना तो ए का स्क्वायर, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 2550.25। तो हमारा इसका अंडर रूट निकालने का क्या तरीका होता है, कि सबसे पहले आप 2550.25 का स्क्वायर रूट निकाल दो, ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला होगा 2550.25 का, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा होता है 505। अब 505 तो हमारा स्क्वायर रूट होता है, और 2 के बाद अगर पॉइंट है तो स्क्वायर रूट में हमारे 1 के बाद पॉइंट जाएगा, तो 50.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको फिर से एक एवरेज का क्वेश्चन है, बोल रखा है कि आपको इतने की एवरेज निकालनी है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, तो हमने इसे सम किया, तो 4 4 8 4 12 12 4 15 12 4 16 16 4 20, फिर 2 4 2 6 6 4 10 4 14 14 4 हमारा हो गया 18 18 4 22, फिर 2 1 3 2 5 4 9 9 4 13, फिर आपका हो गया 1 1 2 1 3 2 5, तो आ गया हमारा कितना, तो 5320। अब इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, बिकॉज 5 नंबर्स है, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 1064। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आपका कह रहा है कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो उसी दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा धन था कितना, तो 100, अगर 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है ये 10 वर्ष में, तो 200 हो जाएगा, तो नेक्स्ट 10 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट 10 वर्ष में 100 बढ़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 300। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट सिंपली है, ये आपका किया हमने शुरू के किया, तो 10 वर्ष फिर से अगले 10 वर्ष में ये तिगुना हो गया, यानी कि कितने वर्ष में हो गया, तो 10+10 यानी 20 ईयर्स में ये तिगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल है, आपका परसेंट औसत से रिलेटेड है, कह रहा है एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनको औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन कितना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के आपके दो तरीके हैं, एक तो हमारा ट्रेडिशनल वे, हम करेंगे 50 × 45, उसमें हम माइनस करेंगे किसको, तो हमारा माइनस करके आ जाएगा 44.9 kg, तो 44.9 kg को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 49 से, तो जो कि काफ़ी हमारा लफड़ा हो जाएगा इसे अगर हम करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का हमारा दूसरा तरीका क्या है, कि आप सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसे एक जगह लिख लो अच्छे तरीके से डाटा बना के, आपको दे रखा है 50 लड़के का औसत है 45, आप इसे अलग लिख लो, आप जो बांट के रखा है उसको अलग रख लो, एक लड़का कक्षा छोड़ रहा है यानी अब 49 लड़के बच रहे हैं, उनको औसत आपका 100 ग्राम कम हो रहा है यानी कि 44.9 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं एक लड़का का क्या होगा, तो आप अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे इधर जो है 45 उसे आप अलग से लिख लो, 45 किया, और इधर है हमारा 44.9, कितना कम है ये 45 से, तो 0.1 कम है, तो अगर इधर से कम रहे तो आपको ऐड कर लें, तो प्लस 0.1 कितने के लिए कम है, तो 49 से डिवाइडेड बाई 1। अब देखो पिछले बारे में आपको 44.9 से 49 को मल्टीप्लाई करने पड़ रहा था, यहाँ पे हमें सिंपली 0.1 से 49 को डिवाइड करने पड़े, तो हमारा आ गया 45 प्लस 4.9, तो ये हमारा आ गया 49.9 kg। तो ये होता है हमारा सिंपलेस्ट वे एवरेज को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल, कह रहा 20 cm × 10 cm की कितनी सीटों से 25 m × 16 m का फर्श बनाया जा सकता है। ऐसा जब भी आपके क्वेश्चन आए 2D डायमेंशन के, तो आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले बात करें कि फर्श बनाने का, तो सबसे पहले आप फर्श का एरिया निकाल लो, लंबाई गुना चौड़ाई किया तो 25 गुना 16, बट आपका इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर है तो हम सारे को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 2500 गुना 1600। आपसे पूछ रहे कितने सीट से, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो उसके एरिया को, तो 20 गुना 10। अब आप इसे टोटली सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूना 16, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 2560 हमारा हो जाता है 200। तो ये हमारा हो गया 2000, 00, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आपका है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। कह रहे एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंच गई है, यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसे सॉल्व करने का आपका क्या तरीका है, सिंपली मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर हम इस मेथड से इसे बनाएं तो हमें डिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे से डिस्टेंस से हमें स्पीड दे रखा है तो टाइम निकालोगे, तो हमें दो जगह प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो क्यों ना हम एक जगह प्रोसेसिंग करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाटा किस चीज़ का दे रखा है, तो स्पीड का एंड टाइम का, तो आप स्पीड एंड टाइम को ही सिर्फ देखो, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो S1 / S2 = T2 / T1 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, तो फर्स्ट स्पीड है 60, सेकेंड स्पीड है 80, इक्वल टू हो गया T2, हमें नहीं पता है वो निकालना है, T1 है 4 घंटे। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से निकाल सकते हो, 3 × 2 = 6 कर दिए, 4 × 2 = 8, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा टाइम आसानी से आ गया 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, करें 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप सारे को सेकेंड में चेंज कर दो, जो सबसे छोटा डाटा है उसमें हम चेंज कर देंगे, तो 1 घंटे को सेकेंड हमें चेंज करना है सेकेंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट 12 सेकेंड करें, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 12 किया तो 72। अब आप यहाँ से परसेंटेज निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो ये आपका 72/60 हो जाएगा, बिकॉज आपसे पूछ रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 72/60 × 60 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, तो 12 × 6 हमारा आ गया 72, फिर 6 × 2 = 12, तो ये हमारा आ गया 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1 घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में कितना समय लगेगी। तो इसे बनाने का आपका क्या तरीका है कि आपको कह रहा है 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय ले रही है, तो ये 7 बार बजने में कितना लगेगी, बिल्कुल आपका एक एक नियम यूज़ कर लो, 33 × 7/12 कर दिया, तो ये हमारा हो गया 4 × 3 = 12, ये 11 × 33, तो हमारा आ गया 77/4, इसे हम कह सकते हैं 19.25 सेकेंड का समय लगेगी 7 बार बजने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, करा 120 का 15% क्या होगा, तो सिंपली आपको इसे निकाल लेने हैं, 120 × 15/100 किया, 0 से 0, 15 × 12 = 180, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 18 आ जाएगा, 120 का 15% हमारा हो गया 18। नेक्स्ट है आपका बहुत ही सिंपल, आपका है किस चीज़ से इसे हम बोल सकते हैं, ये आपका बिल्कुल आपका सीरीज है रीजनिंग का, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो 4, 9, 25, 36 इस तरीके से सीरीज दे रखा है। सीरीज आपका कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, तो ये देखने में हमारा स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, एंड ये 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या जाना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, तो आपका वही हो जाएगा वाट के जगह पे 49। नेक्स्ट हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपका ये भी रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करे एक औरत की तरफ उमा ने इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की माँ है, माँ की सास है, तो उस औरत से उमा का क्या संबंध है। अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उमा ने इशारा करते हुए कहा एक औरत की तरफ कि वह मेरे भाई के, यानी कि उमा के भाई के, तो उमा के भाई जो हो गया, उमा का ब्रदर हो गया, उसके बेटा, उमा का भाई का जो बेटा रहेगा वो क्या रहेगा, तो उमा का भतीजा भी हम कह सकते हैं, या फिर उसके भाई का हम बेटा डायरेक्टली लिख दिया सन। करे भाई के बेटे की माँ की सास है, तो भाई के बेटे की माँ क्या हो गई, तो उमा की भाभी हो गई, यानी कि उसके भाई की वाइफ हो गई, तो ये हमारी हो गई उसकी मदर हो गई, तो उस और माँ की सास है, तो इसकी सास जो रहेगी माँ की, वो उमा की माँ रहेगी, तो ये हमारा आ जाएगी उमा की माँ, इसे हम कह सकते हैं माता। तो औरत से उमा का क्या संबंध हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे की, उमा उसकी बेटी निकल गई और ये उसकी माता हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बोल दूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।